कहलाती है। क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राहें बनाते हैं। मैं फिर तमाम लोगों से कहना चाहता हूं, आप धीरज मत खोइए और विघ्नों को गले लगाकर हम सब लोगों को कांटों में राहें बनानी पड़ेंगी। ये राष्ट्रकवि दिनकर जी की जो लाइनें हैं वो इलाहाबाद के नौजवान साथियों पर सटीक बैठती है कि आप लोग किसी भी सूरत में सब चीजों को ही कैसी भी राहों में, कैसी भी परेशानी और दिक्कत में राहें बना सकते हैं। इसलिए आपको बारंबार बधाई और मैं विशेष रूप से आज माननीय अखिलेश यादव जी को धन्यवाद दूंगा जिन्होंने छात्रों के मुद्दे पर, छात्र संघ के मुद्दे पर आज पूरी विधानसभा को छोड़ने का, वॉकआउट करने का काम किया और साथ साथ बाढ़ और सूखे की बात को उठाया। मैं आप तमाम साथियों से निवेदन करूंगा कि हम सब लोगों को मिलकर इकट्ठा होकर इस छात्र संघों की मांग को बुलंद करना पड़ेगा, इस आवाज को आगे बढ़ाना पड़ेगा। हालांकि हम लोग पैदल चलकर गए थे और सब लोगों की कोशिश यही थी कि हम लोग कैसे आगे बढ़े और पिछले दिनों से मैं कई लगातार जगह गया, राजस्थान में गया, उन नौजवान साथियों को बधाई दूंगा। हम लोग ग्वालियर गए थे मध्य प्रदेश, वहाँ के भी नौजवान साथी बहुत ताकतवर और बहुत मजबूती से मध्य प्रदेश के, भिंड के, मुरैना के, ग्वालियर के, सब जगह के लोग मुझे मिले। मुझे हरियाणा भी जाने का मौका मिला और मैं उन सब लोगों को कहना चाहता हूँ कि हम सब लोगों को मिलकर इस आंदोलन को आगे बढ़ाना पड़ेगा। अलग अलग जगह अलग अलग समस्याएं हैं, दिक्कतें हैं, उन सब लोगों की परेशानी दिक्कतों को हम लोग समझ सकते हैं, जान सकते हैं, क्योंकि ये जगह ऐसी है जहां पर लखनऊ सदन बैठते हैं तो कम से कम उत्तर प्रदेश की, क्योंकि उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा प्रदेश है, जगह जगह की बातें, जगह जगह की चीज़ें यहाँ पर आती हैं और हम सब लोगों को मिलकर इसमें आगे बढ़ना पड़ेगा। पिछले दिनों हमारे मेरठ यूनिवर्सिटी के छात्रों ने बहुत अच्छा आंदोलन किया जिसके माध्यम से जो मैथ्स की फीस बढ़ी थी वहाँ पर, उस तरह की मैथ्स की फीस को दो दिन के आंदोलन में ही मेरठ यूनिवर्सिटी के प्रशासन को, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी के प्रशासन को वापस लेना पड़ा। इसके लिए हम सब लोगों को मिलकर प्रयास करना पड़ेगा। अब कोई समस्या को बताने वाला नहीं है, कोई समझाने वाला नहीं है, हम सब लोगों को मिलकर ही इन समस्याओं का निदान कराना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। और क्योंकि आंदोलन पिछली तरह नहीं होते, लोग मैं समझता हूँ सिर्फ अपने में जीना सीख गए, लेकिन अब भी बहुत सारे नौजवान साथियों में कशिश है, कुछ कर गुजरने का मद्दा है, उन सब चीजों को लेकर हम सब लोगों को आगे बढ़ना पड़ेगा। मैं तमाम नौजवान साथियों से इकट्ठा मिलने की, इकट्ठा होने की दरख्वास्त करता हूँ और आप सब लोगों से निवेदन करता हूँ, जिस तरह सोचिए 800 दिन ऐसे ही नहीं आते, 800 दिनों तक लगातार धरना करने वाले इलाहाबाद के छात्रों को, जिनकी वजह से आज पूरे सदन से वॉकआउट हुआ, पूरे प्रदेश नहीं पूरे देश के लोगों को पता चला कि 800 दिन से हमारे इलाहाबाद के नौजवान साथी अपने दम पर, उनको बीच बीच में मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, उनके घर वालों को धमकाया जा रहा है, उनके तमाम चीजें उन पर लादी जा रही हैं। अरे 400% फीस बढ़ा दी, आप बताइए, छात्र लोग इसीलिए छात्र संघों की मांग करते हैं। अब जब लिंगदो कमेटी की सिफारिशें लागू हो गई तब एज की बात हो गई, तब उसमें से आपको आपके करियर में कुछ चीज अगर गड़बड़ है तब उसमें बाध्यता लग गई, तो छात्र संघों का जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि लिंग दो सिफारिशों के हिसाब से छात्र संघ के चुनाव कराए जा सकते हैं, फिर ये सरकारें कराना क्यों नहीं चाहती? ये इसलिए कराना नहीं चाहती कि इनसे फिर सवाल होंगे, बेहतर नेतृत्व तो निकलेगा, इनको डर है छात्र संघों से, छात्र संघों से लोग डरते हैं, इसलिए छात्र संघ के चुनाव नहीं कराना चाहते। इसलिए मैं नौजवान साथी आप सब लोगों से निवेदन करूंगा कि इस तानाशाही आताताई सरकार के खिलाफ हम सब लोगों को इकट्ठा होकर लड़ाई लड़नी पड़ेगी। नौजवान साथियों, हम लोग जल्दी ही दिल्ली में अलग अलग जगह के पूर्व के छात्र संघ के अध्यक्षों को, पूर्व के अध्यक्षों को, वरिष्ठ छात्र नेताओं को और जो राजनीति की मुख्य धारा में काम कर रहे हैं उन लोगों से कहेंगे, उनको जल्दी ही इकट्ठा करेंगे और जिससे इस तरह की चीजों को कभी रोका ना जा सके या रुके ना ऐसी चीजें, इस चीज को कैसे आगे बढ़ाया जाए, इसके लिए हम सब लोगों को मिलकर विचार करना पड़ेगा। हालांकि बोलने की बातें बहुत सारी हैं क्योंकि छात्र संघों का जाल बहुत पुराना है, छात्र स्टूडेंट यूनियन सिर्फ प्रदेश में नहीं, देश में नहीं, अभी तो पूरे विश्व में अलग अलग जगह छात्र संघों के चुनाव हुआ करते हैं और फिर भी
ये लोग नहीं यहां पर चुनाव कराना चाहते। अरे डबल इंजन की सरकार है, आप लोगों को दोबारा मौका प्रदेश में प्रदेश की जनता ने दे दिया। हम फिर पूछना चाहते हैं आपसे, कहना चाहते हैं फिर क्यों आपको परेशानी दिक्कत है। आप अपने हिसाब से लिंडो कमेटी की सिफारिशों से छात्र संघ के चुनाव को कराइए। इलाहाबाद में बिना रुके छात्र संघ के चुनाव होने चाहिए। सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, क्या दिल्ली में चुनाव दिल्ली यूनिवर्सिटी में नहीं होता? इतने सारे कॉलेज मिलकर एक प्रेसिडेंट एक अध्यक्ष का पूरी कमेटी का चुनाव करती है, तब वहां पर दिल्ली में छात्र संघ के चुनाव हो सकते हैं, राजस्थान में छात्र संघ के चुनाव हो सकते हैं, तो फिर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में क्यों नहीं हो सकते? गोरखपुर में क्यों नहीं हो सकते? मेरठ में क्यों नहीं हो सकते? आगरा में क्यों नहीं हो सकता? लखनऊ में क्यों नहीं हो सकता? प्रदेश के अलग अलग कोनों में क्यों नहीं हो सकता? क्या दिक्कत क्या है? जब इतनी आप कहते हैं इतनी मजबूत आपकी सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, अरे आप तो फौज लगाकर चुनाव करा दो अगर पुलिस के भी बस में ना हो। और फिर जब इतने बड़े चुनाव हमारे स्टेट की पुलिस करा लेती है तो आप शासन का चुनाव नहीं करा सकते? इसलिए नहीं कराते क्योंकि आपकी पोल खोलेंगे नौजवान। नौजवान साथी लड़ते हैं, संघर्ष का मुद्दा जानते हैं, इन्हीं व्यवस्था परिवर्तन करना जानते हैं। बेहतर नेतृत्व तो छात्र संघों से निकला है, नेतृत्व तो देने की क्षमता बढ़ती है, नेतृत्व तो करने का तरीका आता है, बेहतर नेतृत्व तो मिलता है, लेकिन ये लोग नहीं चाहते। मैं आप तमाम नौजवान साथियों से अपील करूंगा, नौजवान साथियों सब लोग इकट्ठा मिलकर, हम सब लोगों को इकट्ठा होकर इसमें काम करना पड़ेगा। मैं अपने तमाम साथी जो जुड़े हुए हैं हमारे औरैया से हैं, अंकुश जी, शेखर जी, हापुड़, अरुण हमारे सहारनपुर से, सचिन हमारे बागपत से, मैक सिंह सहारनपुर, हमारे बुलंदशहर से गजे भाटी, डॉक्टर मनीष शिकारा, विनोद भड़ाना जी काजीपुर, शिव दिवाल कसाना, ये हमारे राजस्थान के साथी हैं निवाई, धन्यवाद। मैक सिंह राठी जी सहारनपुर, परविंदर मोतला जी बहुत लगातार बहुत अच्छा आप लिखते हैं, थैंक यू वेरी मच परविंदर जी। हमारे दादरी के हमारे विधानसभा के बड़े भाई हैं ब्रजेश यादव जी, रोहित भाई हमारे सहारनपुर से हैं, ब्रजेश यादव जी हमारे पूर्वांचल के साथी हैं, संजू जी सहारनपुर के साथी हैं, बुलंदशहर के पंडित निशांत जेमनी जी, शेखर जी हमारे मेरठ के किला परिषद से, आर्यन त्यागी जी, प्रातक चौहान जी, अंकित नागर हापुड़ से हमारे हैं, मैक सिंह राठी जी, तमाम लोग जुड़े हैं। जयमंगल आपको मैं आपसे बात नहीं कर पाया, जयमंगल लगातार आपकी पूर्वांचल में यात्रा चल रही है, हमारे अभिषेक यादव जी के नेतृत्व में आपको बहुत बहुत बारंबार बधाई, बहुत बहुत आपको बधाई। विनोद भड़ाना जी, अंकित नागर जी, शाह मोहम्मद हमारे छात्र नेता हैं, लगातार जुझारू, पुलिस लगातार इनके खिलाफ कार्रवाई करती है लेकिन उसके बावजूद भी लड़े रहते हैं। शाह मोहम्मद जी, आशु यादव जी, रामवीर गुर्जर जी हमारे औरैया के साथी हैं, अमित राणा जी छात्र संघ के अध्यक्ष रहे हैं, बहुत बहुत आपको, आप सब लोग मिलकर इस लड़ाई को आगे बढ़ाइए। पवन देव जी हमारे मेरठ के साथी हैं, मैं उन साथियों से भी निवेदन करूंगा कि सब लोग मिलकर इकट्ठा होकर इस लड़ाई को आगे बढ़ाइए। और आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने भी छात्रों की इस मुहिम को आगे बढ़ाने का काम किया, बल देने का काम किया, उनको बारम्बार बधाई। और आप देखिए कितने बड़े बड़े लोग छात्र राजनीति से निकले, मैं इसलिए बार बार इस चीज के लिए परेशान हो रहा हूँ। बताइए जेपी आंदोलन छात्र आंदोलन था पूरा, उससे निकलने वाले नीतीश कुमार, रामविलास पासवान जी, लालू प्रसाद यादव जी, जॉर्ज फर्नांडिस जी, और पूरे देश दुनिया में असम में इतने बड़े उसी से ही सीख लेकर आंदोलन आगे चला। उसके अलावा आप देखेंगे कि तमाम जगह इतिहास भरा पड़ा है छात्र राजनीति से राजनीति की मुख्य धारा में आने में। मेरे वर्ग के लोग, किसान वर्ग के लोग, गरीबों के लोग, मध्यम वर्गीय परिवार के लोग, जो एक आम बच्चा होता है मेहनत करके, जिसके पास पैसा नहीं होता, पीछे विरासत नहीं बड़ी होती, वो सब लोग छात्र राजनीति के माध्यम से नाम आगे बढ़ा सकते हैं, बढ़ाया बहुत सारे लोगों ने, इसलिए उसको रोका जा रहा है, बहुत गलत है। अमित प्रधान जी काजीपुर, राजीव राणा जी हमारे भाई सलावा के साथी हैं, हमारे क्षेत्र के विधानसभा के, संदीप भारद्वाज जी बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। मोहित चपराना जी बहुत धन्यवाद, हमारे मेरठ के पांचली के साथी हैं, आप सब लोग जुड़े हुए हैं। दीपांशु प्रधान माशरा जी, आप वो आज जिक्र विधानसभा में उठाया, दीपांशु प्रधान है हमारे माशरा के, वो जो जिस तरह नग्न हालत में हमारी बहन बच्ची को किस तरह दौड़ाएगा, उस सब ने देखा,
बोलने की चीज नहीं है, लेकिन इस तरह की घटनाएं होती है। मैंने इस पर लॉ एंड ऑर्डर को बोला ही है। अनुज चौधरी हमारे सहारनपुर के साथी हैं, मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँ। सचिन भाटी जी, डॉक्टर सचिन भाटी जी, थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत धन्यवाद। मैं सब लोगों से फिर कहूँगा, क्योंकि अभी हम लोग पूरे दिन घूम कर आए थे, तो मेरा मन था कि आज लोगों से हम लोग जुड़ जाएं। तो मैं आप सब साथियों का धन्यवाद दूंगा, आप सब लोग, क्योंकि काफ़ी देर हो गई है, मैं आप सब लोगों का धन्यवाद करते हुए, रीच कम कर रखी है, लेकिन फिर भी बहुत सारे चाहने वाले लोग हैं, आप सब लोगों ने हिम्मत देने का काम किया है। मैं आप सब साथियों का, आज मुझे हमने छासंगों का वो तो लगा ही रखा था, 56 में 56 होती है यहाँ का धारा, तो उसमें हमने बोलना था, लेकिन उसके साथ साथ रोडवेज का भी क्वेश्चन एक हमारे मैंने लगा रखा था आज, उसमें भी जवाब देना था सरकार को। बहुत सारे क्वेश्चन लगाए हैं, या तो सरकार सवालों का झूठ जवाब देती है, या फिर जवाब देती नहीं है। सत्र बहुत थोड़े दिन का होता है, कोई कुछ जान के कराते नहीं है। बताइए लोकसभा राज्यसभा कितने दिन तक चलती है, लेकिन हम यहाँ पर सदन में 6 महीने हो गए, 6 महीने में 9 दिन पहले चला है और अभी 3 दिन चला है, 4 दिन मान लीजिए, 4 दिन चला है। तो बताइए इतनी बड़े प्रदेश की समस्याएं आप 9 और 4 13 दिन में कैसे सोल्व कर सकते हैं, कैसे सदन के सामने सरकार के सामने रख सकते हैं। बाकी जगह जो आप चीज़ें आपके सामने हैं, लेकिन हम लोग संघर्ष करेंगे, संघर्ष हम लोगों को लगातार करना है। मैं अपने तमाम नौजवान साथियों को, चाहे वो हमारे अलग अलग स्टेट्स के हों, चाहे पूर्वांचल के हों, चाहे बुंदेलखंड के हों, चाहे अवध के हों, चाहे पश्चिम के हों, सब लोगों को इकट्ठा मिलकर चलना पड़ेगा। अमित जी धन्यवाद, और हम सब लोग श्याम मोहम्मद बिल्कुल ठीक है, लड़ेंगे जीतेंगे, बहुत शुक्रिया आपका। आप सब लोग मिलकर जुलकर रहिए, इकट्ठे रहिए, और मैं फिर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के छात्रों को धन्यवाद और बधाई साधुवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी। आपकी लड़ाई में हम सब लोग सहयोगी बनेंगे। आप सब नौजवान साथियों को फिर यही कहकर कि आप सब लोग इस अलग को जगा कर रखेंगे, आने वाले समय को बेहतर करने का काम करेंगे, बहुत बहुत आपका सबका शुक्रिया। रोडवेज का भी था, कहाँ रोडवेज का था, लेकिन वो जब हमने वॉकआउट कर दिया था वो बनता ही नहीं था। अली उपेंद्र नागर जी थैंक यू, शुक्रिया, बहुत बहुत आप सब लोगों का शुक्रिया, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, जय हिंद।